मेरी सोनी गुड़िया उठ चुकी है मेरी एक आवाज़ पे, और जिन्हें मैंने उठाना है वो दोनों बेटे मेरे मज़े से सो रहे हैं। अब्दुल महीद उठो, अब्दुल महीद, अब्दुल महीद उठो ना बेटा, स्कूल। अहमद रज़ा बेटा उठें, अहमद बेटा उठें, अहमद टाइम हो गया बेटा, उठो ना, स्कूल जाना बेटे। फाइनली मैंने अपने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर दिया। ये मेरा सबसे अच्छा बेटा है अब्दुल महीद, जो कि मेरी एक आवाज़ पे उठ जाता है और तैयार हो जाता है। और ये जो मेरी छोटी बेटी है, ये इस टाइम रो रही है कि मेरे भी स्कूल जाना है, और अभी इसके स्कूल जाने में थोड़ा सा टाइम है। दोनों बेटों को मैंने तैयार कर दिया और ये सुबह सुबह मोबाइल लेकर बैठ गई। मोबाइल पर गेम खेलने का इनको बहुत ज़्यादा शौक है। फाइनली इस बच्चे स्कूल मेरे चले गए हैं, और अब मैं यहाँ पर मैंने अपने ससुर को खाना बना के दिया है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? सुबह हो चुकी है बहुत ही प्यारी, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कौवा है वो मेरा इंतज़ार कर रहा है कि मैं कब उसके लिए कुछ खाने को लेकर आऊँ। मेरी ये डेली की रूटीन है, जब भी मैं सुबह उठती हूँ अपने बच्चों को स्कूल भेजती हूँ, और अपने हस्बैंड को भेजने के बाद मैं इनके लिए कुछ स्पेशल बनाती हूँ परिंदों के लिए, क्योंकि परिंदों को दाना डालने से अल्लाह ताला हमें और जो है वो रिस्क अता करते हैं। तो मैं इनके लिए रोज़ जो है वो एक स्पेशल रोटी बनाती हूँ ताकि ये जो है वो खाएं और हमारे लिए दुआ करें, और यही हम सब के लिए सदका जारिया है। बहुत ही खूबसूरत सी जो है वो सुबह का आगाज़ हो चुका है। आप देख सकते हैं कि मेरी रोटी डालने की देर है, तो माशाल्लाह से यहाँ पे परिंदे जो हैं वो आके अपना जो खाना है वो खाना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ये मेरा ही इंतज़ार कर रहा था कि कब मैं आऊं और इसके लिए कुछ खाने को डालूं। तो वेलकम माई एन अदर व्लॉग, और आई होप आपको मेरा व्लॉग पिछला पसंद आया होगा। और बच्चे मेरे स्कूल जा चुके हैं, हस्बैंड जो है वो मेरे जॉब पे चले गए हैं, और ससुर को मैंने अपना खाना दे दिया है, आप देख सकते हैं। और अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी अपनी छोटी बेटी के साथ, और उसके बाद फिर मैं आपको मिलती हूँ। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं सो गई थी अपनी छोटी बेटी के साथ, उठी हूँ, दूध को बॉईल किया, और अब मैं अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ मिक्स सब्ज़ी का पराठा, जो कि बहुत ही मज़े का लगता है, ख़ास तौर पर सर्दियों में। और मैं अपने लिए देसी घी से बना हुआ ये पराठा बना रही हूँ और इंजॉय कर रही हूँ। और आप भी देखें कि ये कितना मज़े का जो है वो पराठा मैंने बनाया है, और पराठे के ऊपर मैंने देसी घी लगाया है और चटनी। यहाँ पे महरूश आत्मा के साथ बैठ के मैं पराठा खाऊंगी और साथ इसकी शरारतों को मैं इंजॉय करूंगी। यही लाइफ है हर माँ की, और बहुत अच्छी लाइफ है ये। महरूश आत्मा उठ चुकी हैं सो के, और यहाँ पर ये मस्तियाँ करी, मैंने इसकी पूनियाँ बनाई हैं, साथ ही जो है मैं आलू गाजरों का अब सालन बनाऊँगी। और मौसम कुछ यूँ हो रहा है, यहाँ पर महरूश आत्मा जो है वो अपनी चीज़ को एंजॉय कर रही है और मेरे साथ साथ गाजरें भी खा रही है। किचन मैंने साफ़ कर दिया है, बहुत ज़्यादा बर्तन थे, किचन को मैंने प्रॉपर साफ़ कर दिया है, अब सफाई की बारी है। और यहाँ पे मैंने सालन रखा हुआ, मैं बना रही हूँ आलू गाजरें। और ये मेरी छोटी बेटी है जो महरूश फातिमा, जो इस टाइम फुल टाइम खेलने में, ये महरूश फातिमा है, ये क्या कर रही है। दूसरे बच्चे मेरे स्कूल गए हुए हैं, 6 o'clock जाते हैं और 3 o'clock वापस आते हैं, सारा दिन यही मेरे पास होती है। और वो बाहर बैठे हैं मेरे ससुर, ये सिलाई का काम करते हैं, तो वो बटन लगा रहे हैं इस टाइम। अभी इनका खाने का टाइम हो जाएगा, बच्चे भी आने वाले हैं, तो मैं थोड़ी देर के बाद आपसे मिलती हूँ। शामी फ्राई की है, बच्चे आने वाले हैं, साथ ही मैं बड़े बेटे के लिए अंडा बना रही हूँ, मैं बच्चों के लिए रोटी बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे आएंगे सुबह नाश्ता करके नहीं चाहते, उनको भूख लगी होती है। एक माँ होने के नाते सबकी यही रूटीन है। आई होप आपको मेरा व्लॉग जो है वो अच्छा लग रहा होगा। बच्चों के कपड़े मैंने प्रेस कर लिए हैं क्योंकि स्कूल से बच्चे आने वाले हैं, साथ इसी तरह से मैंने तमाम घर की जो है वो सफाई भी कर ली है, घर को भी मैंने नीट क्लीन कर लिया है। और ये है मेरा छोटा तोहफा, बस अब बच्चों का वेट है। मेरे नमाज़ पढ़ के आ गए हैं, अब मैं इनको खाना दूंगी। चलो ताया जी बैठे, मैं आपको रोटी दे दूं। हाँ ठीक है।
रेडी है। आलू गाजरों का सालन, साथ चटनी, साथ रोटी, और ये मैं ताया जी को खाना दे रही हूँ। ये ले ताया। फाइनली मेरे बच्चे आ चुके हैं और मेरी अम्मी ने दरवाज़ा खोल दिया है। ये मेरा छोटा बेटा और ये मेरा बड़ा बेटा। आई होप आपको मेरा आज का जो व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।